हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? लास्ट वीडियो जो हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने बताया था आपको कि एनालिसिस क्या होती है और कैसे करते हैं। और फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा डिजाइन का। सॉरी, बहुत टाइम लग जाता है मुझे एक वीडियो बनाने में। मतलब रीजन ये होता है कि मैं दूसरे काम में भी बिजी रहता हूँ, तो ये काम के लिए जैसे समय मिलता है आपके सामने आता हूँ। डिज़ाइन जो टर्म्स है, इसको अगर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। डिज़ाइन का मतलब होता है क्या है, और एनालिसिस तो आपको बता दिया था मैंने। एनालिसिस में डाटा जो आया उसकी एनालाइज करना, और डिज़ाइन मतलब क्या होता है, उसका रिपोर्ट देना। मतलब कैलकुलेटर में आपने 2 × 2 किया, 2 × 2 किया, फिर अब इंटर करने से पहले वो एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है उसकी 2 × 2 से ही। और जैसे आप इंटर करते हो, जो रिजल्ट आता है आपको डिस्प्ले पे, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड डिज़ाइन। That result is called design. But 2 × 2 calculator को जो algorithm set किया गया है कि क्या आना है, backend में जो काम कर रहा है, that is analysis. और जो सब front पे दिख रहा है वो क्या है, जो 4 आपको दिखा रहा है वो क्या है, वो आपका design है। मतलब कुल मिला के आसान शब्दों में जो दिखे वही design है। चलिए जी, तो अभी ये design जो होता है, ये companies कैसे करती हैं? तो कई लोगों ने design पढ़ा भी होगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से कॉलेज में भी डिज़ाइन किया होगा, RCC के सॉल्व का सब्जेक्ट में। कई लोगों ने रामानुजम सर की बुक पढ़ी होगी, सॉरी बट अभी कल ही रामानुजम सर इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही ग्रेट सिविल इंजीनियर, ग्रेट राइटर थे वो, तो कल वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उनकी बुक भी पढ़ी होगी आपने, BC पुनमिया सर की बुक पढ़ी होगी, ऐसे ढेर सारे राइटर्स की बुक्स आपने पढ़ी होगी। उससे आपने मैनुअल डिज़ाइन कॉलेज में सीखा होगा, एग्जाम भी क्रैक किया होगा, करेक्ट। तो अब आप जब ऑफिस में जाते हो, किसी भी कॉर्पोरेट में जाते हो, तो वहां पर कैसे डिजाइन करते हैं, क्या वही मेथड आप फिर से अपनाओगे? अब सोचो कि अगर पूरे एक बीम का डिजाइन करने में तो आपको 2 पेज से 3 पेज लग जाता है, अगर आपको 10-15 बीम्स का करना है और ढेर सारे कॉलम्स का करना है, कितना करोगे मैनुअल, कितना करोगे? आपका पूरा बुक भर जाएगा पूरा। तो क्या यही स्टेप करेंगे कंपनीज में? नहीं, ये सिर्फ क्रॉस चेक के लिए रखते हैं। जब हमें कभी डाउट हो हमारे डाटा पे, अपने रिजल्ट पे डाउट हो, तब करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बनिया की दुकान में जब सब मतलब कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर मैं जहाँ पर जाता था बचपन में, वहाँ पर था कि जब उसको देता था, वो पहले कैलकुलेटर से करता था, ठीक है, कैलकुलेटर से हमें दे देता, अच्छा ठीक है 356 रुपए हुए, क्या बोलता 356। फिर उसको ना थोड़ा भी डाउट होता, एक मिनट रुको, तो मैं रुक जाता, फिर वो क्या करता, वो अपना सीट निकालता, उस पर मैनुअल जाता 60, 50, 20, 30। ओके, उनकी बढ़िया की लैंग्वेज ही दूसरी होती है, समझ नहीं आएगा आपको। तो पूरा कैलकुलेट करते थे और कैलकुलेट कर चेकते थे, अच्छा 356 ही आ रहा है कि नहीं, अगर सेम आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो वो करेक्शन कर लेते थे। तो डाउट को क्लियर करने के लिए वो मैनुअल अपनी सीट रखते थे, अदरवाइज काम किस पे कर लेते थे, कैलकुलेटर पे। सेम ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक मैनुअल पढ़ के रखे हैं BC पुनमिया से, या फिर कहीं से भी आप कोई बुक से आपने पढ़ रखा है, और पढ़ने के बाद जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे। सबसे ज्यादा जो इंडिया में डिजाइन के लिए यूज करते हैं वो एक्सेल सीट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सेल सीट यूज करते हैं। ये एक्सेल सीट क्यों यूज करते हैं इतना ज्यादा? एक्सेल सीट यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्सेल सीट से आप बहुत ही इजीली डिजाइन कर पाते हो। एक बार सीट बना दिया, उसको फटाफट डाटा डालते जाओ, आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, डाटा डालते जाओ रिजल्ट मिलता जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाता है। अब बोलोगे सर मेरे पास एक्सेल सीट ही नहीं है, मैं कैसे करूं? तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ अपने, वहां पर ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो हर एक चीज का, ऑल RCC मेंबर की डिजाइन कैसे करनी है, एक्सेल सीट रखी हुई है, डालो और अपना वैल्यू डालो और अपना रिजल्ट ले लो। तो एक्सेल सीट के थ्रू हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं। अब एक्सेल सीट के बाद, एक्सेल सीट बनाते कैसे हैं, ये तो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, जिसको मैं जल्दी कोई कोर्स वोर्स बनाने की प्लान कर रहा हूँ, टाइम मिला तो जरूर करेंगे। तो आप एक्सेल सीट से आधी से ज्यादा कंपनियां कर लेती हैं एक्सेल सीट से। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक्सेल और स्टैट प्रो को साथ में लेके चलती हैं। मतलब पहले वो स्टैट से करेंगी, क्रॉस चेक करने के लिए एक्सेल से कर लेती हैं। अच्छा जी, तो मतलब आपको एक्सेल भी आना चाहिए और स्टैट भी आना चाहिए। फिर ये डिटेल ड्राइंग कैसे मिलती है, जो आप साइट पर देखते हो ना कि डिटेल ड्राइंग मिली हुई है, स्ट्रक्चर बीम में इतना रेनफोर्समेंट लगा है, कॉलम में इतना रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है दो सॉफ्टवेयर से। कौन कौन से दो सॉफ्टवेयर है? एक है RCDC। स्टेट प्रो की फाइल को डायरेक्ट आप RCDC में डाल दो, जैसे ही स्टेट प्रो की फाइल को RCDC में डालोगे, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देगा, ऑटोमेटिक दिखा देगा, अच्छा इसमें आपने जो लिया हुआ डाटा, इसके अकॉर्डिंग एयर एनफोर्समेंट ऐसे पड़ेगा, टॉप में इतने का, बॉटम में इतने का,
दूसरी सबसे अच्छी चीज ये कि आरसीडीसी जो सॉफ्टवेयर है वो स्लैब की भी डिजाइन करके दे देता है, जो कि स्टैट प्रो नहीं देता है। स्लैब की डिजाइन मिल जाएगी आपको, स्टेयरकेस की डिजाइन मिल जाएगी, बीम कॉलम की तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये पूरे के पूरे डिजाइन जो होते हैं ये मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ आरसीडीसी। आप लोग सर दूसरे सॉफ्टवेयर का भी नाम ले रहे थे, आप बताइए। तो दूसरा सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर नहीं, एक प्लगइन है जो ऑटोकैड के अंदर इंस्टॉल कर देती है कंपनियां, रिबारकैड। क्या होता है रिबारकैड? एक छोटा सा प्लगइन है रिबारकैड, आप उसको जैसे डाउनलोड कर लेंगे आपके ऑटोकैड में ऑटोमेटिक प्लगइन ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड हो जाएगा उसमें आप सिर्फ डाल दो कि बीम में टॉप में इतने बार, बॉटम में इतने बार। ये कहां पाओगे टॉप में इतने बॉटम में इतने? स्टैट प्रो का रिजल्ट रहेगा ना, तो उसमें देख लो कि टॉप में कितने बॉटम में कितने डालोगे, अपने आप डिजाइन बन के आ जाएगी। तो रिवार कैट से भी कर सकते हो, बट बेहतरीन करने के लिए आरसीडीसी मैं प्रीफर करता हूँ, मैं आरसीडीसी से ही करता हूँ। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप कर सकते हो। मतलब एक तो एक्सेल आपको आना चाहिए, एक्सेल के साथ आपको स्टैट प्रो और आरसीडीसी आना चाहिए, और अगर और अच्छे से सीखना तो रिवार कैट भी सीख लो और अच्छा रहेगा। ये आपका डिजाइन का सॉफ्टवेयर, मीन्स ये सब कुछ डिजाइन करेंगे और आपको ड्राइंग जनरेट करके देंगे आपके सामने। दूसरी चीज, जो भी ड्राइंग का आपने रिजल्ट पाया वो रिजल्ट को लीजिए और लेके आप एक बार चाहे तो एक्सेल में चेक कर लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्सेल का डिजाइन का जो पूरा डिजाइन एक्सेल का जो मैं करता हूँ सारा कुछ मैंने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और कर लीजिएगा। दूसरी चीज, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से भी कर लिया और यहाँ से भी कर लिया। दोस्तों अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये जो ईडीएफ और सेफ का बात सुनता रहता हूँ मैं, ये क्या है? हाँ जी, जब हायरेज स्ट्रक्चर हो जाता है, मतलब G+5, G+5 तो छोटा है, G+10, G+12, G+50, G+20 इस तरीके के जब स्ट्रक्चर होते हैं तो इनको स्टैंड रूम जब डिजाइन करोगे तो बहुत स्लो होता है डिजाइन, बहुत आप परेशान हो जाओगे। तो इसके लिए अगर आप बेहतरीन सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो इसके लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ईडेप्स, एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, जो कि CSI कंपनी का है। अब ईडेप के साथ एक प्रॉब्लम है, क्या बीम कॉलम को तो बड़े अच्छे से डिजाइन कर देता है वो स्लैब के डिजाइन नहीं करता है। क्या नहीं करता वो स्लैब के डिजाइन नहीं करता। दूसरी उसकी क्या ड्रॉबैक है, फुटिंग के डिजाइन नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर फिर स्लैब और फुटिंग के लिए क्या करूं, फिर किसके घर जाना पड़ेगा? तो स्लैब और फुटिंग के डिजाइन करने के लिए आप सेफ सॉफ्टवेयर सेफ सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो ईटैप प्लस सेफ सीख के आप आराम से सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के डिजाइन कर सकते हो, और आप चाहो तो ईटैप स्टैड और आरसीडीसी सीख के छोटे छोटे स्ट्रक्चर रो हाउस से G+5, G+6, G+7 तक के स्ट्रक्चर्स को इजीली आप स्टैड प्रो भी कर सकते हो। बट इन दोनों के साथ याद रखना एक्सेल सीट कंपलसरी है, चाहे ईटैप करो तो भी एक्सेल सीट आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, चाहे स्टैड और आरसीडीसी कर रहे हो फिर भी आपको एक्सेल सीट आना चाहिए। और अगर ड्राफ्टिंग की बात करते हो, ओवरऑल अच्छे से ड्राफ्टिंग आ जाए तो रिवार कैट सीख लेना, आपको रिवार कैट भी आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे डिजाइन करना है। अब आपने जो सीखा है मैनुअल उसका क्या यूज में आएगा? तो उसका यूज आता है कि आपको ST का फॉर्मूला देखना है, ST क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बैकएंड पे काम कर रहा है ना, ST का फॉर्मूला आप IS कोड से देख पा रहे हैं। आपको स्लैब का जो थिकनेस है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है वो आप जाके IS कोड से देख सकते हैं कि शॉर्टर स्पैन बाय बेसिक वॉल्यूम ट्री मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो शॉर्टर स्पैन आप ले लो, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.2 से 1.5 के बीच में ग्राफ में देख लो, और उसके बाद आप अपना क्या बोलते हैं शॉर्ट बेसिक वैल्यू कंटिन्यूअर के लिए कितना है, 7 है, और उसके बाद इसका सिंपली सपोर्टेड का 20 है और कंटिन्यूअस के लिए 26 है। ये सब कुछ आप IS कोड से अगर मैनुअल जाते हो तो IS कोड का आपको नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी चीज, IS कोड पूरा नहीं पढ़ना है तो शॉर्ट में मैंने IS कोड के कुछ की पॉइंट का एक वीडियो बना रखा है, आप डालना IS 456 की पॉइंट्स आकाश पांडे से डालो तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से उसको करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में तो मैं सिर्फ डिजाइन का ही बारे में ही बताने वाला था तो इसलिए मैंने डिजाइन किया। अब जो डिजाइन आ गया वो डिजाइन का रिजल्ट बेहतरीन कैसे आए उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि यूट्यूब पे थोड़ी सी आपके साथ की जरूरत पड़ती है, कोई भी टॉपिक हो यार इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में समराइज कर लें जिससे कि आप जल्दी से देख लो सारा डाटा, लेकिन जो एक्चुअल पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी सिविल का कंटेंट है। आप सोचिए BIM का कोर्स 4 महीने का है, क्यों? क्योंकि टाइम लगता है यार बड़े बड़े टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में। चलिए बात करते हैं डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन जो हम लोग करते हैं वो डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या क्या डाटा देखना चाहिए। कई बार आप डिज़ाइन करते हो स्टैट प्रो से और फिर आपको दिखाता है कि 16 mm के 8 bars। अब बोलोगे सर इतने बार तो लगाने की जरूरत ही नहीं है 230 या फिर 300 mm के कॉलम में। करेक्ट, तो फिर वो रिजल्ट आ कैसे जाता है?
तो रिजल्ट आपसे गलती क्या हुई रहती है उस पर बात करते हैं। उस पर आपकी गलती ये हो जाती है कि आप लोड कॉम्बिनेशन नहीं लगाए रहते हो। क्या नहीं लगाए रहते हो? लोड कॉम्बिनेशन नहीं लगाए रहते हो। जैसे ही आप लोड कॉम्बिनेशन लगाओगे ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए लोड कॉम्बिनेशन चाहे एस पर आई एस कोड यूज कर लो या फिर आप अपना लोड कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो। जैसे जनरेट करोगे आपके बार के साइजेस परफेक्ट दिखने लगेंगे जो भी आपको बार को साइज चाहिए, तो इस चीज का ध्यान देना। दूसरी चीज, आप जैसे आरसीडीसी यूज करने ही जा रहे हो तो आरसीडीसी में परसेंटेज ऑफ स्टील देखो। क्या देखो? परसेंटेज ऑफ स्टील। अगर ओवर जा रहा है तो क्या करना है? सपोज मान लो कि स्टील का परसेंटेज ज्यादा हो गया, क्या करोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बॉडी और जो बिल्डिंग है दोनों सेम होता है। सपोज मेरे बॉडी में अगर स्टील ज्यादा हो गया, हड्डियां ज्यादा हो गई, पूरी हड्डी दिख रही है, आप बोलोगे सर क्या हड्डी हड्डी आपके बॉडी में दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हड्डी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ गया तो मुझे क्या करना चाहिए? आप राइट स्टेप बताओ। आप बोलोगे सर खाओ पियो थोड़ा मोटे वोटे हो जाओ, राइट? तो क्या हुआ, आपने मुझे मोटा करने के लिए सजेशन दिया। मतलब आपने कहा कि आप कंक्रीट के साइज को बढ़ा दो, मतलब जो भी आपका मेंबर है उसके साइज को बढ़ा दो, जैसे मैं मोटा हो जाऊंगा हड्डी अंदर अपने आप चली जाएगी, ठीक है जी। सपोज परसेंटेज ऑफ स्टील कम है, मतलब मेरे बॉडी में पूरा मांस ही मांस ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मांस वांस दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टील है ही नहीं, तो अब परसेंटेज ऑफ स्टील को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो कम है, 0.8% से कम हो गया आपका परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में, तो क्या करेंगे? बहुत ईजी स्टेप है, आप कॉलम के साइज को कम कर दो। मैं जैसे पतला हो जाऊंगा मेरी हड्डी दिखने लगेगी, करेक्ट? तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, तो इस तरीके से इसको करते हैं। दूसरी चीज, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है डेफिनेटली वो सच में आप सीखने वाले बंदे हो। मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम अकाउंट खोला हुआ है, तो अभी तक मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना नहीं चलाया था, वो यूनिक सिविल का था, अपना नहीं चलाया था, अभी मैंने अपना उसको किया। मैं यूनिक सिविल वाले पर ही दोनों काम हो जाता था मेरा, मतलब जो फोटो वोटो डालना था डाल देता था, बट अभी मैंने सेपरेट बनाया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे से जुड़ो और वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, और साथ ही साथ बात से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप टैग करो, अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियरिंग के पोस्ट डाल के टैग करो, मुझे मज़ा आएगा आपके साथ टैगिंग में। और उसके बाद मैं भी कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे दिया, तो अभी पोस्ट नहीं डाला मेरा, जीरो पोस्ट है देखो, लेकिन अब डालूंगा। तो अभी मैंने अकाउंट बनाया, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा।